अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ काशिफ फयाज। हेयर इज़ पार्ट टू ऑफ ट्रेसिंग। टुडे आई विल टेल यू हाउ टू कन्वर्ट योर स्केच इनटू वेक्टर विदाउट पेन टूल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन हम एक लोगो ट्रेस करेंगे, और उससे पहले हम स्केच बनाएंगे ओबियसली। तो स्केच हम कुछ इस तरीके से सिंपल सा बना रहे हैं ताकि हम कम से कम पेन टूल का यूज़ कर सकें, क्योंकि पेन टूल के बग़ैर ही आज का लोगो मैंने ट्रेस करना था। लेकिन अगर पेन टूल यूज़ हो भी गया तो आपको मैं एक दूसरा तरीका भी बता दूंगा कि जो पेन टूल के अलावा हो, मीन्स के पेन टूल से हट के भी हम उसको ट्रेस कर पाएँ। तो ये था जी हमारा लोगो, ले चलते हैं इलस्ट्रेटर में और चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको प्लेस करेंगे। प्लेस करने का तरीका आपको पिछली क्लास में बताया था, और प्लेस करने के बाद हम इसको बेहतर है कि लॉक कर लें, क्योंकि ये कुछ हम इसमें ऐसी मूव्स करेंगे कि हो सकता है कि ये अपनी जगह से हिलने लग जाए, तो बेहतर है लॉक कर लें। अब देखें जी, पिछली क्लास में हमने टोटली पेन टूल का यूज़ किया था, और यहाँ पे हम सर्कल क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि जो बैक साइड पे है वो सर्कल की ही एक शेप है। तो जहाँ पे शेप्स का मामला हो, या जहाँ पे हम एक सीधी शेप बना के भी हम काम कर सकते हैं, तो उधर ज़रूरी नहीं है कि हम पेन टूल यूज़ करें, वो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बेहतर है कि ऐसी जगहों पे हम शेप्स का ही यूज़ करें। तो उसी तरह बिल्कुल फिल हमने ऑफ रखना है, और इसको सही तरीके से अपने लिहाज से एडजस्ट कर लें जहाँ पर आपको सही लगता है। उसके बाद देखेंगे जी, ये एक कटा हुआ सर्कल है, मीन्स एम उसमें से निकला हुआ है। तो उसके लिए हम एक, ये आज न्यू आपको टेक्निक बताने लगा हूँ, उसके लिए हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, और रेक्टेंगल बना के हम शेप बिल्डर से ऑल्ट प्रेस करके तो हम इसको ड्रैग करेंगे, जो पार्ट हमने डिलीट करना है तो वो डिलीट हो जाएगा। ऑल्ट प्रेस करने से आपने देखा होगा, वैसे तो शेप बिल्डर पर जो है प्लस का साइन होता है, लेकिन माइनस का साइन आ जाता है और चीज़ जो है वो मर्ज होने के बजाय माइनस हो जाती है। तो इसको भी हम लॉक कर लेते हैं। अब क्योंकि पेन टूल यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैंने क्लास को छोटा रखना था, लेकिन आप इस तरह ये कर सकते हैं कि रेक्टेंगल्स भी आप क्रिएट करके तो उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन से आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लाइंस के साथ भी कर सकते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ आप प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पेन टूल यूज़ करें। लेकिन अगर जल्दी करना है, मींस अगर आपको पेन टूल से मीन कंफर्टेबल हैं आप, तो आप पेन टूल से ही करें। उसके बाद ये इसके छोटे छोटे डॉट्स वगैरह हैं, इनको भी हम शेप्स के ज़रिए ही करेंगे, और शेप्स के ज़रिए इनको ट्रेस करके तो हम वापस आते हैं। ओके, देन हमने सारी जो हैं लॉक लेयर्स थी जो, उनको हमने अनलॉक कर दिया है, और स्केच को हमने डिलीट कर दिया है। अब हम सिंपली इस पर वर्क करेंगे और कलरिंग करेंगे। ओबियसली सबसे पहले हम बैकग्राउंड को अच्छा सा ले लेते हैं। बैकग्राउंड आई थिंक ब्लू, बिल्कुल लाइट ब्लू शेड का जो होता है ना, वो आई थिंक सही रहेगा। ये कुछ इस तरह का थोड़ा और लाइट हो अगर तो बेहतर रहेगा। तो बैकग्राउंड हमने सिलेक्ट कर लिया है, इसको अरेंज सेंड टू बैक कर दें और लॉक कर दें। अब हम लोगो पे आ जाते हैं और इस पे काम करते हैं। सबसे पहले तो इसकी जो आउटलाइंस हैं इनको हम रिमूव करेंगे, और कलर इसमें शिफ्ट करते जाएंगे जो हमने रखना है। तो कलर हम इसमें ओबियसली ग्रेडियंट ही अप्लाई करेंगे, एक ज़बरदस्त लुक देते हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट हम कुछ बना लेते हैं जल्दी से और अप्लाई करते हैं।
तो ये हमने ग्रेडिएंट एक बना लिया है, इसको अब अप्लाई करें। आप अपने तरीके से कोई भी ग्रेडिएंट, कोई भी कलर रख सकते हैं, अगेन मैं यही कहूँगा। तो इसको जो है हम बैकग्राउंड का जो कलर है उसके हिसाब से रखेंगे, ताकि कुछ इस तरह लगे कि ये कटा हुआ है, मीन्स आई थिंक आप समझ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इसको एक लुक देंगे। अब इसको देखें तो इसकी हालत काफ़ी ख़राब हुई हुई है, तो इसको हमने सही करना है। आपको पता है कैसे सही कर सकते हैं, तो डायरेक्ट सिलेक्शन इज़ द बेस्ट प्रोसेस और हम वही करेंगे। इसकी इसको जो है कुछ हम एडजस्टमेंट इसकी सही कर लेते हैं, अलाइनमेंट इसकी सही कर लेते हैं और सब कुछ इसको देख लेते हैं। उसके बाद हम ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं इन पे आएंगे और इन पे भी ओबियसली हम ग्रेडिएंट ही अप्लाई करेंगे, लेकिन हाथ हौला रखिएगा नॉर्मली और एक मींस डिसेंट से कलर आप लिया करें। हमेशा मैं यही आपको सजेस्ट करता हूँ और करता रहूँगा। अब इस पे हम फ़िलहाल स्ट्रोक पे रख के देखते हैं, अगर अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो हम इसको भी फिल ही कर देते हैं। तो देखते हैं फिर, अगर फिल करने की ज़रूरत हुई तो ओबियसली हम फिल ही करेंगे। तो प्रोसेस आपने देख लिया है, अब जल्दी से हम इन पे कलरिंग करके तो वापस आते हैं। तो यार वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने फिल ही कर दिया। एक हमने स्ट्रोक पे छोड़ा है जो कि एक यूनिक और प्रोफेशनल सी लुक दे रहा है, ऐसा ही है। तो ये था हमारा लोगो जो मैन हमने ट्रेस करना था। अब फॉन्ट, वही बात है, आपको मैं हर बार कहता हूँ कि लोगो के हिसाब से आप फॉन्ट रखा करें, और यहाँ पे भी मैं लोगो के हिसाब से ही रखूँगा। आप देख सकते हैं फॉन्ट का नाम है लेमन मिल्क, आई थिंक, तो लेमन मिल्क हम फॉन्ट रखेंगे। उसके बाद हम इसको सेट करेंगे फॉन्ट को, ये वो और सब कुछ। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या सीखना है, क्या चीज़ आपको नहीं आती, आपके लिए कौन सी क्लास लेके आऊँ या वगैरह वगैरह, और किस लिहाज से आपको क्लासेस चाहिए, और ट्रेंड फॉलो करके भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मींस ज़्यादा आपको क्या अच्छा लगता है। तो लोगो डिज़ाइन तो खैर हम लाते ही रहेंगे, उसके अलावा भी हम बाकी चीज़ों पे जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, और ओबियसली कुछ नया लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जल्दी से हम वीडियो मुकम्मल करते हैं और वापस आते हैं। फाइनल ये था जी हमारा डिज़ाइन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, फॉन्ट वगैरह सब कुछ ही आपको अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर नहीं तो कमेंट में आप बता सकते हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। स्टे विद अस, बी क्रिएटिव।